हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो यूनिट 2 है इसमें जो 3 थ्योरी दे रखी है इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इन तीनों थ्योरी में से एक ना क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसमें 3 अलग अलग थ्योरी दी हुई है ना, तीनों अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई हैं, तो इन तीनों को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। और अभी मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। तो देखिए, आपको शॉर्ट नोट लिखने को जरूर आएंगे। आपको कोई भी एक वर्ड दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि इसके बारे में लिखो, जैसे कि आइडेंटिटी क्या होती है, मीडिया एंड स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट्स क्या क्या है, और एडोलसेंस इन इंडिया। तो ऐसे करके आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकते हैं। अब देखिए, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, आंसर सबके दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं और आप खुद यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरा काम है बस आपको क्वेश्चन समझाना कि किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो को बस शॉर्ट में बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, पहले में था शॉर्ट नोट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, डेवलपमेंट थ्योरिस्ट होल्ड डिफरेंट व्यूज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड विच समटाइम लीड टू इशू इन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट। डिस्कस द वेरियस इशूज इन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन वट यू हैव रीड सो फार। अब देखिए, जैसे कि मैंने यूनिट 2 में आपको वो 3 थ्योरीज बताई थी, तो देखिए जो अलग अलग जो थ्योरिस्ट होते हैं उनकी अलग थ्योरी होती है ना, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सब अलग अलग अपनी राय देते हैं। तो अब इसमें आपको बताना है कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा, यानी जो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन जो डेवलपमेंट आपने जो पढ़ा है ना, अपने अपने मतलब बेसिस पे आपको बताने की जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो थ्योरिस्ट है ना उनकी थ्योरी क्या क्या है वो भी आपको बतानी है, और फिर अपने जो सीखा वो भी आपको बताना है यहाँ पर। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्कूल जाने का ना सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए, हर बच्चे का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आपको बताना है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्कूल में जाते वक्त क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और आपको ये भी बताना है कि जो टीचर होती हैं वो बच्चों की कैसे हेल्प करती हैं चैलेंजेस को ओवरकम करने में। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें बतानी है, पहला कि जब जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ आपको बतानी है कि टीचर उनकी कैसे हेल्प करती हैं चैलेंजेस को ओवरकम करने में। अब देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे कि वो 3 थ्योरी है ना उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में, अब इसमें बताना है आपको जो एरिक्सन है उनके उन्होंने क्या क्या सजेशन दिए हैं बच्चे के डेवलपमेंट को लेकर। और आपको ये भी बताना है कि जैसे कि जो अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं जिसको हम डेवलपमेंट टास्क भी बोल सकते हैं, तो ऐसे क्या क्या डेवलपमेंट टास्क जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस पे करने चाहिए, है ना। तो देखिए, मैंने आंसर में बकायदा जो ईयर है वो भी बताए गए हैं, मतलब 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे को क्या करना चाहिए, 3 से लेकर 6 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए, 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को क्या क्या टास्क परफॉर्म करने चाहिए। तो ये सब इसमें बताया गया लाइन टू लाइन, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है द पैटर्न ऑफ मोरल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के बीच में हम मोरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं ना, जो मोरल है उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं बच्चों के बीच, तो उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। अब देखिए, हमारी अगली थ्योरी आ जाती है जो है ब्रॉन पर ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसको भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, तीनों थ्योरी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए, मैंने तो ये अभी सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन और भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको ये इनकी वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ये तीनों थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली नेबर स्कूल कम्युनिटी सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब जब चिल्ड्रन यानी जो छोटा बच्चा होता है, जब उसका विकास हो रहा होता है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसमें फैमिली का, पड़ोसियों का, है ना, स्कूल का और कम्युनिटी सोसाइटी का क्या क्या रोल है, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछेगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, और फिर उसी के साथ वो पूछेगा कि जो इंक्लूजन है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कैसे यूजफुल है, तो इसको आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फिर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है, और इन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और आपको ना थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो उस थ्योरी को भी आपको बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि दोनों क्या होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है, फिर आपको इनकी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, यहाँ पे टाइप दिए गए हैं जैसे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन और प्रोडिजी और ट्वाइस और 7, तो ये 4 टाइप आपको दिए गए हैं, तो आप इन 4 टाइप को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने को भी आएगा। अगले क्वेश्चन में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट को डिफाइन करना है, आपको बताना है चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है ना, और फिर अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज है उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं।
तो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडीज का मतलब है बाल विकास अध्ययन, मतलब इसमें स्टडी की जाती है कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो हम उसमें अब देखते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि हाँ इस बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है। तो उन मेथड्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके आ सकता है TOBGA के ऊपर, जिसकी फुल फॉर्म होती है सर्कल ऑफ बींग एंड ग्रोइंग ऑथेंटिक। तो देखिए इसने क्या करा, अपने एक मॉडल दिया है, जिस मॉडल में उसने कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल और स्टेजेस के बारे में बताया है। उन लेवल और स्टेजेस में बताया कि जो बच्चा है उसका एथिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए आपके जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 दिख रहे होंगे, तो इन लेवलों में जो बच्चा है उसकी एथिकल डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है ना। सोशल इंटरेक्शन मतलब जब बच्चा समाज में घुलता मिलता है ना, जब वो पहली बार स्कूल में जाता है अपने दोस्तों के साथ मिलता है ना, सोशल इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो वही आपको एक्सप्लेन करना है और डेफिनेशन लिख कर आनी है कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। और फिर उसी के साथ में आपको बताना है कि पोस्ट सोशल इंटरेक्शन क्या होता है। अब देखिए फिर से थ्योरी आ गई, थ्योरी तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फिर से जो एरिक्सन वाली थ्योरी ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आ सकती है, तो ये थ्योरी भी आपके ऊपर आ सकती है। इसकी थ्योरी कौन सी थी, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देखिए फिर से वही थ्योरी आ गई है, इकोलॉजिकल जो थ्योरी है ना वो भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसको इस थ्योरी को किसने दिया था, ब्रॉन फैन बर्नर ने, तो इसकी थ्योरी भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो सबके आंसर दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोस्तों आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।